रिकवरी कर रहे थे यूजर मैनेज बैकअप के थ्रू, तो दोबारा से करते हैं उसको। तो मैं डेटाबेस को स्टार्टअप करता हूं। सर नहीं चल रहा वो, आपकी कोई फाइल मिसिंग तो नहीं है? अभी सर स्क्रिप्ट चलाऊंगा तो चला चला। ठीक है, ये देखिए मैं लास्ट टाइम मैंने ये फाइल रीस्टोर की थी, ठीक है, ये एक डेटा फाइल एग्जाम्पल 01 के नाम से मैंने कॉपी की थी, सिंपली सीपी और फाइल थी मेरे पास U01 में बैकअप के फोल्डर में, और उसका नाम देख लेते हैं। ये फाइल का नाम था। अब आप इसको जब कॉपी करेंगे इसमें ASM है, तो आप इसमें फाइल का नाम देंगे, फॉर एग्जांपल मैंने दिया था इसको एग्जांपल 01, ठीक है, वो डॉट्स में नहीं देना है इसको इसका नाम, क्योंकि वो अदरवाइज एरर दे देगा। वंस फाइल कॉपी हो जाए तो आपने उसको, अब अगर आप फाइल आपने कॉपी कर दी और डेटाबेस ओपन करने की कोशिश की, वो फाइल पुरानी है, उस पर चेक पॉइंट नंबर पुराना है, बाकी डेटाबेस आगे है, तो आपको रिकवरी करनी पड़ेगी। तो रिकवर एसक्यूएल क्लास से भी रिकवर कर सकते हैं, आरएमएम से भी कर सकते हैं। जी बोलिए, रिकवर डेटा फाइल 5 कर देंगे। वो कहता जी कि मुझे ये वाली आर्काइव चाहिए। अब ये देखिए उसने कहा जी चेंज, और ये चेंज नंबर बता रहा है, जनरेटेड एट दिस टाइम नीडेड फॉर थ्रेड 1, और उसने कहा जी ये आर्काइव मुझे चाहिए। हम देख लेते हैं इस लोकेशन पे इस नाम से आर्काइव है। आर्काइव उसे मांगी है जी 1_27 और आगे नंबर है 27 है। हाँ ये देखिए, ये हमारे पास आर्काइव पड़ी। उन्होंने कहा ये आर्काइव मुझे चाहिए, और ये हमने देख लिया कि जो उसने पाथ दिया है उसी पाथ पे ये आर्काइव, जहाँ पे यानी कि आर्काइव जनरेट हुई थी अभी वहीं पे पड़ी है। अगर तो ये किसी और लोकेशन पे होती तो फिर तो या तो मैं इस पाथ पे वापस लेके आता, या फिर यहाँ पे मैं पाथ दे देता उसका। फॉर एग्जाम्पल ये अब आर्काइव मेरे पास पड़ी है U01 में बैकअप के फोल्डर में, तो यहाँ पे मैं पूरा पाथ और फाइल का नाम देता। अब क्योंकि उसी लोकेशन पे पड़ी है, मैं सिंपली अब एंटर कर दूंगा, नेक्स्ट आर्काइव मांग लेगा, एंटर करूंगा वो नेक्स्ट मांग लेगा। मैं कहता हूँ आप अगली सारी आर्काइव भी इसी जगह पड़ी हूँ मुझसे मांगे ना, तो मैं सिंपली ऑटो लिखूंगा। ऑटो लिखेंगे वो जितनी भी आर्काइव है खुद ही अप्लाई करेगा और आपको कहेगा नहीं मीडिया रिकवरी कंप्लीट, और ऑल्टर डेटाबेस ओपन कर रहे हैं। तो ये यूजर मैनेज कंप्लीट रिकवरी है कि आपने एक फाइल रिस्टोर की, एक या एक से ज्यादा फाइल रिस्टोर की, उनको उनके ऊपर रीडू अप्लाई किया, वो करंट पॉइंट इन टाइम तक आ गया। अब आप डेटाबेस ओपन करेंगे तो वो सिंक्रोनाइज्ड होंगी, डेटाबेस ओपन हो जाएगी। करके देखें, मैं दो फाइलें रिमूव कर रहा हूं इस वक्त। एक फाइल रिमूव हो गई, दूसरी भी रिमूव कर रही है, इन दोनों का बैकअप है मेरे पास। स्टार्टअप करूंगा तो किसी एक फाइल पे एरर दे देगा। उसने दिए जी फाइल ये वाली मिसिंग है, ठीक है, हालांकि दूसरी भी मिसिंग है, दूसरी पे भी उसने मुझे एरर नहीं दिया। तो आपके पास एक व्यू है कि आप देखना चाहेंगे कौन कौन सी फाइल है जिनमें इशू है। डिस्क्राइब वी $ रिकवर अंडरस्कोर फाइल, इसमें फाइल का नंबर दे देगा, कमा एरर फ्रॉम वी $ रिकवर अंडरस्कोर फाइल,
फाइल नंबर वन पे अननोन एन अननोन एरर जिस पे आए इसका मतलब है उसको रिकवरी की जरूरत है, और जिस पे फाइल नॉट फाउंड आए इसका मतलब वो फाइल उसको नहीं मिली, फाइल नंबर टू एंड थ्री नहीं मिल रही। अब ये फाइल नंबर टू कौन सी है, फाइल नंबर थ्री कौन सी है वो हम देखेंगे। यहाँ पे फाइल के सिर्फ नंबर आ रहे हैं, वी डॉलर डेटा फाइल से हम देखेंगे, सेलेक्ट नेम फ्रॉम वी डॉलर साइन डेटा फाइल वेयर, इसमें होगा फाइल आई डी के नाम से कॉलम, फाइल नंबर के नाम से, फाइल नंबर इन, और कौन कौन सी एरिया में टू एंड फाइव, सब क्यूरी भी लगा सकते थे। ये देखें ये दो फाइलें उसने बताई, ठीक है। अच्छा अब इन दो फाइलों को रिकवर करने के लिए आर्काइव्स मुझे कौन सी चाहिए, लेट से आर्काइव्स आपने बैकअप लेके किसी और लोकेशन पर रख दी हुई थी, आप सारी आर्काइव्स आपको रिस्टोर करने की जरूरत नहीं है, जो आर्काइव्स आपको रिकवरी के लिए चाहिए वो आप देख लें, डिस्क्राइब वी डॉलर साइन रिकवरी अंडरस्कोर लॉग, सेलेक्ट सीक्वेंस नंबर, कॉमा आर्काइव अंडरस्कोर नेम, कॉमा बेशक वो टाइम भी ले लें, फ्रॉम वी डॉलर साइन रिकवर रिकवरी अंडरस्कोर लॉग, अब जब ये इसको ओपन करूंगा ना रिस्टोर करने के बाद फिर मुझे बताएगा कि कौन कौन सी, अभी उसमें फिलहाल मुझे कोई मैसेज नहीं आया कि कौन सी आर्काइव्स मुझे चाहिए, ठीक है। मैं क्या करता हूँ फाइल्स को रिस्टोर करता हूँ, कॉपी स्लैश यूजर वन स्लैश बैकअप स्लैश एग्जाम्पल, और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे, उसको मैं कॉपी करता हूँ स्लैश प्लस डेटा डेटा माई डी बी, माई डी बी के बाद था जी डेटा फाइल और एग्जाम्पल 01.dbf में देता हूँ, यार को डॉट में नहीं देना था यार, नहीं नहीं वो डॉट में नहीं देना, बस एग्जाम्पल 01 बगैर कोर्स के भी दे सकते हैं, ठीक है। क्या एरर दिया है, अच्छा वो लोकेशन नहीं मिल रही उसको, हम गलत लोकेशन दे रहा था ना, डेटा नहीं था डीबी माई डीबी था, ओके ओके लोकेशन गलत दे रहा था इसलिए, उसी फाइल भी इसी तरह कॉपी कर लेते हैं, कुछ भी नाम दे दें। तो आपने ये फाइलें एक्चुअली क्या किया है, रीस्टोर कर दी हैं, आपकी फाइल्स मिस हो गई थी, आपके पास यूजर मैनेज बैकअप था, तो आपने कॉपी करके उनको रीस्टोर कर दिया। अब हम ऑल्टर डेटाबेस ओपन करें, वो कहेगा जी फाइल को रिकवरी, पहले तो ये फाइल पे एरर देगा इस फाइल पे कि ये इस नाम से फाइल मिली नहीं उसको, तो क्योंकि फाइल का नाम आपने चेंज कर दिया हुआ था, आप इसको कर लें जी ऑल्टर डेटाबेस रीनेम फाइल, और फाइल का पुराना नाम और पाथ सिंगल कोट्स में, और टू और नया नाम और पाथ, पाथ यही है सिर्फ नाम चेंज हो गया, अब अगर ऑल्टर डेटाबेस ओपन करेंगे
वो कहेगा रिकवरी की जरूरत है, देखते हैं कोई आइडेंटिफाई किए हैं लॉग फाइल्स। ठीक है, उन्हें देखें ये आर्काइव उसने कही है कि ये आपको आर्काइव नंबर, ये आर्काइव चाहिए इस लोकेशन पे जनरेट हुई थी, सीक्वेंस नंबर 27 था, सीक्वेंस नंबर 28 की ये आर्काइव, सीक्वेंस नंबर 29 की ये आर्काइव, ये तीन आर्काइव उसने क्या है कि हमारे अवेलेबल होने चाहिए इन फाइल्स को रिकवर करने के लिए। तो अब आप सिंपली करेंगे रिकवर डेटा फाइल, डेटा फाइल थी 2 और 5, या सिंपली रिकवर डेटा बेस भी कर सकते हैं आप, जिन जिन फाइल्स को रिकवरी की जरूरत होगी वो खुद ही रिकवर कर लेंगे, रिकवर डेटा बेस करें, उसके बाद वो आर्काइव मांगी है उसने ऑटो कर दें, वो सारी आर्काइव वन बाय वन उसने अप्लाई करेगा, देखें उसने पहली आर्काइव अप्लाई की, दूसरी आर्काइव अप्लाई की, जब सारी आर्काइव अप्लाई हो जाएंगी तो मीडिया रिकवरी कंप्लीट का मैसेज आएगा और फिर आप डेटाबेस को ओपन कर दें। तो दिस इज योर कंप्लीट रिकवरी, यूजर मैनेज बैकअप के थ्रू आपने कंप्लीट रिकवरी परफॉर्म की है। तो कंप्लीट डेटाबेस रिकवरी में हमने क्या किया जी, अगर आपकी डेटाबेस डाउन है या लेट्स से आपकी डेटाबेस ओपन है तो आप करेंगे क्यूरी फॉर फाइल्स टू रिकवर, कौन सी फाइल्स की रिकवरी की जरूरत है वो आप वी डाल सन रिकवर अंडरस्कोर फाइल से क्यूरी करेंगे, क्यूरी फॉर नीडेड आर्काइव लॉग्स वी डाल सन रिकवरी अंडरस्कोर लॉग से आर्काइव क्यूरी कर लेंगे, डेटाबेस शट डाउन करें, हार्डवेयर फेलियर है तो उसको रिपेयर करें, रीस्टोर करें डैमेज फाइल्स और आर्काइव लॉग्स को, डेटाबेस माउंट करें, रिकवर करें डेटा फाइल्स और डेटाबेस ओपन करें, यही हमने किए स्टेप्स। तो आइडेंटिफाई करना हो तो वी डासन रिकवर अंडरस्कोर फाइल में आप फाइल नंबर और एरर देख लें, और वी डासन रिकवरी अंडरस्कोर लॉग में आर्काइव का नाम और उसका सीक्वेंस नंबर जो भी हो या टाइम भी आपने देखना है तो वो आपके पास अवेलेबल है। तो ये दोनों व्यूज आपको बता देंगे कि कौन सी फाइल्स को रिकवरी की जरूरत है या रिस्टोरेशन की जरूरत है, उनको रिकवर एंड रिस्टोर करने के लिए करंट पॉइंट टाइम तक लेके आने के लिए कौन कौन सी आर्काइव चाहिए, आर्काइव्स के नाम भी दे देगा आपको। तो इंस्टेंट आप सारी आर्काइव रिस्टोर करें किसी और लोकेशन से, सिर्फ वो आर्काइव रिस्टोर कर लें जो मिसिंग जो चाहिए आपकी रिकवरी के लिए। तो डेटा फाइल्स को आप रिस्टोर करें, फॉर एग्जांपल आपने क्या किया वो जो डेटा है वो डिस्क के ऊपर है या वो किसी और डिस्क के ऊपर है या टेप के ऊपर है, तो वहां से वो वापस लेके आए डिस्क के ऊपर, कॉपी करें डेटा फाइल जो मिसिंग है उसको रिकवर करें और ऑनलाइन लें। तो अगर आपने रिकवरी करनी हो तो रिकवर ऑटोमेटिक करेंगे तो फिर वो ऑप्शन पूछेगा नहीं है, वो ऑटोमेटिकली रिकवरी कर देगा अगर आपको पता है कि फाइल्स मेरी वहीं पे पड़ी हैं। अगर आप सिंपल करेंगे ना रिकवर डेटाबेस तो वो रिकवरी करेगा तो करंट जहां पे आपकी सेटिंग होगी ना आर्काइव्स की डेस्टिनेशन की, मैं कहता हूं आर्काइव लॉग लिस्ट, देखें यूजर वन में आर्काइव की डेस्टिनेशन सेट हुई है, तो उसने क्या किया था जब मैंने रिकवर डेटाबेस की कमांड दी तो उसने मुझे कहा कि यूजर वन में आर्काइव के फोल्डर में इसके नाम इस नाम से आर्काइव होनी चाहिए, यानी आपको जो करंट आर्काइव की डेस्टिनेशन है वहीं में वो एक्सपेक्ट करेगा कि आपकी आर्काइव पड़ी हुई हो। लेकिन अगर आपकी आर्काइव किसी और लोकेशन पे है तो आप ये भी कर सकते हैं रिकवर फ्रॉम और सिंगल कोट्स में पाथ दे दें जहां पे आपकी आर्काइव पड़ी हुई है फोल्डर तक का डेटाबेस, तो उस फोल्डर में से रिकवरी करेगा। और अगर आप ऑटोमेटिक का कीवर्ड भी साथ दे दें तो फिर आपसे ये पूछेगा नहीं, जैसे मुझसे उसने पूछा था ना कि ये उसने देखे मैंने ऑटो दिया था यहाँ पे उसको, उसने कहा था ये आर्काइव मुझे चाहिए तो अगर इसी लोकेशन पे तो एंटर करो या ऑटो करो, तो उसने देखे तीन ऑप्शन दिए थे या तो फाइल का नाम दो या ऑटो लिख के एंटर करें या फिर कैंसिल करें, तो मैंने ऑटो लिख के एंटर किया था। आप चाहते हैं वो आपसे ये ऑप्शन पूछे ना, खुद ही एक पर्टिकुलर लोकेशन से आर्काइव अप्लाई कर दे तो रिकवर ऑटोमेटिक कर दे, रिकवर ऑटोमेटिक फ्रॉम उस वक्त देंगे जब आपकी आर्काइव किसी डिफरेंट लोकेशन पे है करंट सेटिंग के अलावा और डेटाबेस कर दें तो आपकी आर्काइव ऑटोमेटिक डॉट अप्लाई कर देगा और फिर उसके बाद रिकवरी जब कंप्लीट हो जाए तो ओपन कर दें डेटाबेस को अल्टर डेटाबेस ओपन से। क्लियर है कहाँ पे लिखो नहीं 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 ये तो वैसे कोई एप्रीवेशन है, वो आपको बता रहे हैं कि कौन सी फाइल है जो चाहिए उसको, ठीक है वो सजेस्टेड फाइल आपको बता रहा है कि ये वाली फाइल चाहिए, ये पर्टिकुलर चेंज थी ये चेंज अप्लाई करने के लिए वो इस फाइल के अंदर जनरेट हुई थी वो फाइल मुझे दे दो रिकवर करने के लिए।
और यही रिकवरी आप डेटाबेस ओपन करके भी कर सकते थे, क्यूरी द फाइल्स फॉर क्यूरी फॉर फाइल्स टू रिकवर, क्यूरी फॉर नीडेड आर्काइव लॉग्स, डाटा फाइल को ऑफलाइन ले जाएं, डेटाबेस को ओपन करते हैं, फिर ऑफलाइन जो फाइल आपने की थी उनको रिस्टोर करें, रिकवर करें और उनको दोबारा ऑनलाइन लें। मैं ये भी कर सकता था कि इंस्टेंट के डेटाबेस को माउंट स्टेज पे रहने दूं, ये दो फाइलें ऑफलाइन करता और अल्टर डेटाबेस ओपन कर देता, तो ये दो फाइलें अन अवेलेबल होती, बाकी डेटाबेस अवेलेबल हो जाती, फिर मैं कॉपी करता और रिकवर करता और इनको ऑनलाइन ले आता। तो दिस इज कंप्लीट रिकवरी, लेकिन आपकी डेटाबेस ओपन है उस स्टेज उस केस में। तो आप डेटाबेस ओपन करके रिकवरी उन फाइल्स की कर सकते हैं जो नॉन क्रिटिकल फाइल्स हैं ओरेकल के लिए, सिस्टम और अनडू टेबल स्पेस के अलावा जो फाइल्स हैं वो ओरेकल के लिए नॉन डेटाबेस के लिए नॉन क्रिटिकल हैं। आपके लिए क्रिटिकल होंगे क्योंकि उसमें आपका डाटा होगा डेफिनेटली, लेकिन ओरेकल की डाटाबेस को अप एंड रनिंग रहने के लिए मिनिमम अनडू और सिस्टम की टेबल स्पेस की डाटा फाइल्स अवेलेबल होती है। तो आप यही सारी रिकवरी जैसे हमने अभी स्टेप्स परफॉर्म किए, अगर आप कोई डाटा फाइल लॉस कर लें और उसके बाद उसको ऑफलाइन करें, डेटाबेस ओपन कर दें और फिर उसकी रिकवरी कर लें, तो सिंपल है, कोई इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सेम ही चीज़ है, कोई डिफरेंस नहीं है। यूजुअली माउंट स्टेज पे रिकवरी करते हैं ताकि कोई लोड छोड़ना पड़े डेटाबेस पे और वो यूजर्स को एरर आना शुरू हो जाए तो फिर वो मसले होते हैं, इसलिए आउटेज ले ली जाती है और माउंट स्टेज पे रिकवरी करके एक दफा डेटाबेस अवेलेबल की जाती है। इनकम्प्लीट रिकवरी, अच्छा इनकम्प्लीट रिकवरी की जरूरत क्यों पड़ सकती है? इनकम्प्लीट रिकवरी होती है कि रिकवर द डेटाबेस टू अ पास्ट पॉइंट इन टाइम इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। ये सिचुएशंस हो सकती हैं जिस वजह से आपको डेटाबेस किसी प्रीवियस पॉइंट इन टाइम पे रिकवर करनी पड़ सकती है। यू वांट द डेटाबेस टू बी इन द स्टेट दैट एग्जिस्टेड बिफोर अ यूजर एरर ऑन एन एडमिनिस्ट्रेटिव एरर अकर्ड। लेट्स से कोई एक ऐसा इशू हो गया था, आपसे कहते हैं यार कि आज दिन को 12 बजे से के बाद जितनी भी डेटाबेस पे एक्टिविटी हुई है वो उसकी वजह से काफी डेटाबेस में डेटा करप्ट हो गया, तो आपसे कहा जाता है कि डेटाबेस 12 बजे वाली स्टेट पे जो थी या 12 बजे से पहले वाली जो स्टेट पे थी उस पे ले गया है, तो आपको किसी भी एक एरर की वजह से डेटाबेस बैक इन टाइम लेके जानी पड़ती है। द डेटाबेस कंटेंस करप्ट लॉग्स, करप्टेड हो गई है, वो आगे रिकवर नहीं की जा सकती है, तो पर्टिकुलर टाइम तक आप लेके आएंगे उसको। यू आर अनएबल टू परफॉर्म कंप्लीट डेटाबेस रिकवरी बिकॉज सम ऑफ द रीडू लॉग फाइल्स आर मिसिंग। आपकी कोई एक आर्काइव मिस हो गई, आप एक फाइल आपकी डिलीट हो गई थी, आप उसकी रिकवरी कर रहे थे, पता चला कि एक आर्काइव नहीं है आपके पास, अब वो फाइल रिकवर नहीं हो सकती, वो इंपॉर्टेंट फाइल है, अब आपको पूरी की पूरी डेटाबेस पीछे लेके जानी पड़ेगी और जहां पे आपके आर्काइव मिसिंग है उस स्टेट तक डेटाबेस लेके आएंगे। जिनकी कंप्लीट रिकवरी आप परफॉर्म करना चाह रहे हैं लेकिन आर्काइव मिसिंग होने की वजह से आप कंप्लीट रिकवरी परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो फिर इनकम्प्लीट रिकवरी की तरफ जाना पड़ेगा आपको, फिर उस केस में सारी डेटाबेस रिस्टोर करनी पड़ेगी आपकी। यू वांट टू क्रिएट अ टेस्ट डेटाबेस दैट इज इन द स्टेट एट सम टाइम इन द पास्ट। कोई टेस्ट मशीन के ऊपर टेस्टिंग करने के लिए प्रीवियस बैकअप रिस्टोर करना चाहते हैं, और वन और मोर अनआर्काइव लॉग फाइल्स एंड डेटा फाइल्स आर लॉस्ट। कोई आपकी ऐसी फाइल्स लॉस हो गई हैं, ऐसी अनआर्काइव रीडू लॉग ग्रुप, जैसे आपका अगर कोई ऐसा रीडू लॉग ग्रुप लॉस हो जाए जो कि जिसका स्टेटस एक्टिव या करंट हो, लास्ट टाइम भी हमने देखा था, ठीक है, ऐसा ग्रुप जिसका स्टेटस करंट या एक्टिव हो, अगर वो भी लॉस हो जाए तो तब भी आपको इनकम्प्लीट रिकवरी की तरफ जाना पड़ता है। करके देखते हैं, इनकम्प्लीट रिकवरी के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आपकी के पास सारी डाटा फाइल्स का बैकअप हो। अभी हमने सिर्फ दो फाइल्स का बैकअप लिया था क्योंकि हम यूजर मैनेजर भी कर रहे हैं, तो मैं सारी फाइल्स का बैकअप ले लेता हूँ। मैं करूँगा जी ऑन डेटाबेस बिगिन बैकअप, मैं एक दफ़ा सारी टेबल स्पेसिस को बैकअप मोड में डाल के ना उनको कॉपी कर लेता हूँ। सीपी स्टैटिक स्लैश यूजर वन स्लैश बैकअप स्लैश उसमें कर देगा, ओवर राइट कर देगा पुरानी फाइलों को, अगर वो कहीं ठीक है। फिर मैं पूरी डेटाबेस का बैकअप ले रहा हूँ, इनकेस जब आप बैकअप लेते हैं यूजर मैनेज बैकअप में ऑनलाइन में, तो आप टेबल स्पेसिस को बैकअप मोड में डालेंगे और उनकी फाइल्स कॉपी कर लेंगे। मैंने सारी टेबल स्पेसिस बैकअप मोड में डाल दी है, जो ये आइडियल नहीं है, सिनेरियो नहीं होगा, आप सारी टेबल स्पेसिस को एक ही वक्त में बैकअप मोड में डालेंगे तो आर्काइव्स बहुत ज़्यादा जनरेट होना शुरू हो जाएंगे अगर हाई एक्टिविटी आपकी डेटाबेस के ऊपर, तो और अगर तो लो एक्टिविटी है तो फिर बेशक डाल दें सारी टेबल स्पेसिस को एक वक्त में बैकअप मोड में। तो उसने कॉपी कर लिया जी, एक ही फाइल उसने कॉपी की है, करते हैं ये फोल्डर ही कॉपी कर लेते हैं, ये
चलती है जी। वैसे तो वो पूरा ही करना चाहिए उसको। वन बाय वन ही करनी पड़ेगी। नो आर्काइव में तो आप सिंपली शट डाउन करेंगे और फिर कॉपी करेंगे। ठीक है जी, ये मेरा कंप्लीट अभी डेटा फाइल्स का सारा बैकअप हो गया। वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, ये मेरे पास सारी फाइल्स आ गई हैं जिनका मैंने बैकअप लिया है। वंस ये बैकअप कंप्लीट हो जाए तो आप डेटाबेस को बैकअप मोड से एंड कर लें और फिर दो तीन लॉग स्विचेज चक्कर करें, फिर कंट्रोल फाइल का बैकअप लें तो आपके पास कंप्लीट बैकअप आ जाएगा। ऑल्टर डेटाबेस एंड बैकअप ऑल्टर सिस्टम स्विच लॉग लॉक फाइल, दो तीन लॉक स्विचेज कर लिया आपने, आर्काइव्स आ गई आपके पास और अल्टर डेटाबेस बैकअप कंट्रोल फाइल टू किसी भी नाम से कंट्रोल फाइल को भी हमें बैकअप है ताकि आपको पता चले ये कंट्रोल फाइल है, ये इस डेटाबेस की कंट्रोल फाइल है और किस डेट को हमने बैकअप लिया था। तो ये आपके पास एक कंप्लीट बैकअप है। ठीक है जी, अब हम इनकम्प्लीट रिकवरी करते हैं। इनकम्प्लीट रिकवरी टाइम बेस्ड भी हो सकती है, डिफरेंट तरह की रिकवरीज हैं। आपकी इनकम्प्लीट रिकवरी टाइम बेस्ड भी हो सकती है। लॉग सीक्वेंस बेस्ड भी हो सकती है, कैंसिल बेस भी हो सकती है, एससीएन बेस भी हो सकती है।
टाइम बेस में आप टाइम बताते हैं किस टाइम तक रिकवर करो, लॉग सीक्वेंस बेस में आप लॉग सीक्वेंस नंबर बताते हैं किस टाइम तक, इस लॉग सीक्वेंस तक रिकवर करो। कैंसिल बेस में जो आर्काइव आप अप्लाई नहीं करना चाहते वहाँ पे सिंपली कैंसिल लिख देते हैं। और SCN बेस में आप SCN नंबर बताते हैं कि इस SCN तक रिकवर करो, ठीक है। अभी हम टाइम बेस रिकवरी करते हैं, मैं एक टेबल ड्रॉप कर देते हैं। कैंसिल बेस में जब आप रिकवरी करते हैं ना तो आपसे पूछता है फलां आर्काइव मुझे चाहिए, जैसे हमने की थी ये लास्ट टाइम की, ये देखें उन्हें फॉर एग्जाम्पल मैंने कैंसिल बेस रिकवरी करनी है तो मैं सिंपली करूंगा रिकवर डेटा बेस, वो आपसे आर्काइव मांगेगा। अगर ये मैंने आर्काइव अप्लाई करनी है तो एंटर प्रेस कर दूंगा, फिर नेक्स्ट आर्काइव मांगेगा वो मैंने अप्लाई करनी है एंटर प्रेस कर दूंगा, नेक्स्ट आर्काइव मांगेगा लेट्स ये आर्काइव मेरे पास है ही नहीं मैं यहाँ पे कैंसिल लिख के एंटर कर दूंगा, ठीक है। यानी कि जो आर्काइव आपके पास नहीं है या जो जिस आर्काइव तक आप रिकवरी करना चाहते हैं वो सारी अप्लाई करा देंगे, और जो नहीं कराने चाहते वहां पे सिंपली कैंसिल लिख के एंटर कर देंगे। तो दिस विल बी कॉल्ड कैंसिल बेस रिकवरी। ये वीडियो फक की जाती है जब आपके पास कोई आर्काइव एक मिसिंग हो गैप में, तो वन बाय वन सारी आर्काइव अप्लाई करते हैं, जो मिसिंग जब तक जब आता है तो आप उसको कैंसिल कर देते हैं, तो वहां तक रिकवरी कंप्लीट करके आपको डेटाबेस दे देता है। ओके, अब मैं एक टेबल ड्रॉप कर देता हूं। पहले एक टेबल में क्रिएट कर रहा हूं, मैं पहले ड्रॉप कर लेते हैं। टेस्ट टेबल में जी 108 रोज है मेरे पास, मैं एक टेबल क्रिएट ड्रॉप करता हूं टेबल ये। सिलेक्ट काउंट स्टैटिक फ्रॉम टेस्ट एरर दे दिया, फिर टेबल एग्जिस्ट नहीं करता। क्रिएट टेबल ABC ID नंबर, जस्ट एक टेबल क्रिएट करना चाह रहा हूँ। जब हम इनकम्प्लीट रिकवरी करेंगे तो टेस्ट टेबल हमारे पास वापस आ जाएगा, लेकिन ABC टेबल नहीं होगा, क्योंकि यानी कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कुछ ना कुछ आपका डाटा लॉस होगा इनकम्प्लीट रिकवरी के केस में। अब आपका ये टेबल ड्रॉप हो गया गलती से और आपसे आपको कहा जाता है ये रिकवर करें, नहीं टेस्ट वाला कहा जाता है यार ये टेबल या तो टेबल ड्रॉप हो गया या डाटा गलत डिलीट होकर कमिट हो गया या फिर ट्रंकेट हो गया टेबल या फिर गलत अपडेट होकर कमिट हो गया, कुछ भी हो गया। अब आपसे कहा जाता है रिकवरी करनी है ये टेबल में चाहिए, पूछेंगे किस वक्त ये एक्शन हुआ वो आपको डेट एंड टाइम बताएंगे। अगर डेट एंड टाइम वो नहीं बता सकता तो फिर आपकी डेटाबेस में ऑडिट इनेबल होना चाहिए। आप DB_ ट्रेल में जाके देखेंगे कि किस वक्त ये ड्रॉप की या डिलीट की स्टेटमेंट चली, उसमें वो टाइम भी बता देगा आपको, स्टेटमेंट भी बता देगा और टेबल का नाम भी बता देगा कि ये फ्लॉन टेबल के ऊपर ये डिलीट की स्टेटमेंट चली थी और इस टाइम के ऊपर चली थी, ऑडिटिंग अगर आपने इनेबल की हुई है तो, ठीक है ना। ऑडिट हमने देखा था ना एडमिन वन के अंदर, तो वहां से आप टाइम निकाल लेंगे, या फिर वहां पे भी अगर आप ऑडिटिंग भी इनेबल नहीं है और टाइम आपको नहीं पता तो फिर ओरेकल की एक यूटिलिटी है लॉग माइनर के नाम से, आपको जो शक है कि ये इस टाइम से इस टाइम के दौरान हुआ उतने उस टाइम की आर्काइव ने लॉग माइनर के थ्रू माइन करें, उसमें टाइम आ जाएगा कि ड्रॉप की स्टेटमेंट चली थी और इस वक्त चली थी या डिलीट की स्टेटमेंट चली थी इस वक्त चली थी, उसमें एक टाइम आपको पता चल जाएगा। यानी कि किसी न किसी तरीके से आपने टाइम फाइंड करना है वो एक्टिविटी कब हुई थी, उस टाइम से पहले पहले आपने रिकवरी परफॉर्म करनी है। तो लेट से अगर आपको फिर भी नहीं पता तो फिर आपको गेस करना पड़ेगा, पहले एक दफा रिकवरी करें टेबल वापस आता है ठीक है, फिर दूसरी जगह करें तीसरी दफा करें तो किसी न किसी टाइम पर आपको टेबल वापस आ जाएगा, ठीक है। आपको इनकम्प्लीट रिकवरी फिर मल्टीपल टाइम्स करनी पड़ेगी, करके देखते हैं। हम डेटाबेस डाउन कर देते हैं, मैंने डेटाबेस डाउन कर दी। अब आपने सिर्फ और सिर्फ डेटा फाइल्स जो हैं इस डेटाबेस की वो सारी की सारी रीस्टोर करनी है, सारी डेटा फाइल्स कौन कौन सी, सिस्टम टेबल स्पेस की भी, अंडू टेबल स्पेस की भी और बाकी सारी टेबल स्पेसेस की भी। कंट्रोल फाइल को नहीं छेड़ना आपने, कंट्रोल फाइल रहने देनी है इस वक्त जो करंट स्टेट में वही रहेगी, आपने वो रिस्टोर नहीं करनी अगर वो मिसिंग नहीं है तो। रीडू लॉक फाइल्स को भी नहीं छेड़ना आपने, वो भी रहने दें आप, वो अगर आप डिलीट भी करते हैं फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इन दो फाइल्स को छोड़ दें अगर वो इंटैक्ट हैं तो और उनमें कोई इशू नहीं है। बाकी आप डाटा फाइल सारी रिमूव कर देनी है आपने, मैं यहाँ से सारी डाटा फाइल्स रिमूव करता हूँ। सारी डाटा फाइल्स रिमूव होगी, अब वापस कॉपी करेंगे सारी /user1/backup/system static /
ये पूरा बात दे देते हैं। हाँ, वो राइट भी कर सकते थे। वैसे तो आइडियली आप क्या करेंगे, रिमूव करने से पहले करंट स्टेट का एक बैकअप ले लेंगे। आप करंट स्टेट का कोल्ड बैकअप ले लें, यानी कि करंट सारी डेटा फाइल्स, करंट सारी डेटा फाइल्स, कंट्रोल फाइल, रिप्लॉक फाइल्स और जितनी आर्काइव हैं वो उठा के अपने पास बैकअप करने की, मतलब ये जरूरी है। ये नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास तो टाइम नहीं है, इसलिए हम नहीं कर रहे। अदरवाइज आप करंट स्टेट का एक बैकअप लेंगे जरूर, ताकि इन केस अगर ये रिकवरी सक्सेसफुल नहीं होती दोबारा से कर सकें या एटलीस्ट उस स्टेट पे वापस आ सकें। हाँ, पूरा नाम ही देना पड़ेगा। आपने सारी डेटा फाइल्स को रिस्टोर करना है। कुछ भी नाम देते हैं नेम फाइल्स को, नहीं वो फाइल तो देखिए फाइल इस नाम है बिशा घोष में, वो जो नहीं जो ओरेकल का अपना जो फाइल का वो नाम देता है ना जिस तरीके से, वो आपने नहीं देना। ठीक है, वो आप सिंगल डॉट दे सकते हैं, मल्टीपल डॉट देंगे तो एरर देगा। हाँ, मैं भी आगे जाके फिक्स कर देंगे इसको। नहीं डॉट क्यों है, मल्टीपल डॉट्स वो जो आ रहे होते हैं ना, वो कहता है ए एस एम के हिसाब से वो फाइल नहीं है। सर अभी जुलाई में रिलीज 2 का वर्जन 2 भी उन्होंने लॉन्च किया है। रिलीज 2 नहीं, वर्जन 2 नहीं आया। रिलीज 2 वो पैच सेट कहलाता है, रिलीज 2 है इस वक्त, रिलीज 2 पैच सेट 1। डेटाबेस स्टार्टअप करते हैं, वो एरर देगा डेटा फाइल्स नहीं मिली मुझे, मुझे रीनेम करनी पड़ेगी डेटा फाइल्स क्योंकि मैं नाम चेंज कर चुका हूँ। अब ये देखें, लेट्स से आपके पास तो हमारे पास तो 3-4 फाइलें जिनको रीनेम करना है। आपके प्रोटेक्शन डेटा बेस में देते हैं भी हंड्रेड्स ऑफ डेटा फाइल्स, तो उनको रीनेम करने बैठ जाए तो पूरा एक दिन आपको रीनेम करने में लग जाएगा। ठीक है, तो आप स्किप बना सकते हैं। मैं करता हूँ जी सिलेक्ट ऑल्टर डेटाबेस रीनेम फाइल, फाइल का नाम
अच्छा इसमें तो क्योंकि डॉट किसी जगह नहीं आया, उसने मुझे स्किप नहीं बना के दिया। इसमें देखें डॉट आया जी, तो मैं पूरा पाथ निकाला यार, सब चेंज उसने वन से लेके आना था। अब देखें ये जो डेटा फाइल है उसने सिस्टम को मुझे नाम रीनेम करके दे दिया, डेटा माई डी बी डेटा फाइल सिस्टम जीरो सिस्टम डॉट जीरो वन। अच्छा डॉट नहीं चाहिए, डॉट से पहले तक हमें चाहिए जी, ये जी माइनस वन करना पड़ेगा। ठीक है, अब उसने ये पूरा स्क्रिप्ट आपको जनरेट करके दे दिया। ये देखें ये कि इसको आप स्कूल करा लें, आप करें सेट हेडिंग ऑफ स्कूल स्लैश होम स्लैश व्हीकल स्लैश वी नेम डॉट एच की वाली स्टेटमेंट चलाएं, स्कूल ऑफ कर दें एट द रेट स्लैश होम स्लैश व्हीकल स्लैश वी नेम डॉट एच की वाली को चला दें। जो जो फाइलें रीनेम करनी है वो रीनेम कर दें। उसने क्या एरर दिया जी, नहीं कुछ तो हो गए हैं लेकिन कोई कोई भी नहीं हो सकती ना। सिस ऑप्स तो ऑलरेडी थी, ठीक है। अनडू टीपीएस वन किधर से आ रहा है यार, स्पूल ऑन ना भी करें आप ये मैन्युअली भी कमांड कॉपी कर सकते हैं। ये कमांड पूरी कॉपी करके आप रन कर दें। ये जस्ट आपको बताना चाह रहा था कि आप स्क्रिप्ट बना सकते हैं जब आपके पास एक से ज्यादा फाइलें हैं। मुझे पता है कि सिस्टम वाली जो फाइल है उसका नाम मैंने रखा है सिस्टम 01। सिस्टम 01 ही रखा है यार, डिफरेंट नाम है। ये जी ये है ना सिस्टम 01। रैम रीनेम कर दिया ना उसने, सिर्फ अंडू वाली नहीं की बाकी उसने रीनेम कर दी। ठीक है, अल्टर डेटाबेस रीनेम फाइल सिंगल कोर्स में कोरोना नंबर पाथ टू नया नंबर। फाइल का नाम क्या है, 201। अब मैं करूंगा रिकवर डेटाबेस अनटिल टाइम और सिंगल कोर्स में टाइम। मेरे सिस्टम पे टाइम हुआ है जी इस वक्त 23rd of July है 2011 और 10:28 हुए हैं इस वक्त। तो मैं करता हूँ पहले आप पूरा ईयर देंगे फिर डैश मंथ देंगे, जुलाई बनता है जी सातवां महीना जीरो, यानी कि आप उसका डिजिट देंगे 07। डेट आज है जी यहाँ पर 23rd है, उसके बाद टाइम देंगे जिस टाइम तक आपने रिकवर करना है 10:00 मैं करता हूँ 12 मिनट और 00 सेकेंड। तो आप करेंगे रिकवर डेटा बेस ऑन टाइम और टाइम दे देंगे। वो आपसे आर्काइव मांगेगा, मुझे ये पहले आर्काइव चाहिए, आप सिंपली ऑटो लिख दें। ठीक है, जितनी आर्काइव उसको चाहिए होंगी वो खुद ही अप्लाई कर देगा। मीडिया रिकवरी कंप्लीटेड लॉग अप्लाइड, आपको ये मैसेज आना चाहिए कि मीडिया रिकवरी आपकी कंप्लीट हो गई है, अदरवाइज अगर कोई आर्काइव मिसिंग होगी या नहीं होगी तो आपको एरर देगा ये। अब आपने इनकम्प्लीट रिकवरी की है, आपने कुछ आर्काइव अप्लाई किए और उसके बाद के कुछ आर्काइव छोड़ दिए आपने। ठीक है, अब आप ऑल्टर डेटाबेस ओपन करेंगे ये एरर देगा कि कुछ आर्काइव अभी रहती हैं वो अप्लाई नहीं किया आपने, तो आप चाहते हैं कि नहीं मैं वो आर्काइव अप्लाई नहीं करना चाहता, तो इनकम्प्लीट रिकवरी करने के बाद हमेशा ऑल्टर डेटाबेस ओपन रीसेट लॉग्स करेंगे।
इसका मतलब है आप ओरेकल को बता रहे हैं कि मैं रिकवरी यहीं पे रोकना चाहता हूँ, इसी पॉइंट तक रिकवरी करना चाहता हूँ। तो हमेशा इनकम्प्लीट रिकवरी जब भी परफॉर्म करेंगे यू विल हैव टू ओपन द डेटाबेस विद रीसेट लॉग्स ऑप्शन, अदरवाइज डेटाबेस ओपन नहीं होगी। इसमें करेगा वो क्या, वो जितने भी रेडुला ग्रुप्स हैं उनको दोबारा बिल्कुल क्लियर कर देगा और उनको लॉग सीक्वेंस नंबर दोबारा से वन से इनिशियलाइज हो जाएगा। लॉग सीक्वेंस नंबर होता है ना, हर दफा इंक्रीमेंट होता रहता है। हो सकता है इस वक्त मेरे डेटाबेस में लॉग सीक्वेंस नंबर चल रहा हो, ये लॉग सीक्वेंस नंबर ही बता रहा है 33 चल रहा था इस वक्त, 33 ऐसे भी ज्यादा आगे चल रहा होगा। तो अब ये दोबारा से वन पे आ जाएगा। पहले बार रेडुला ग्रुप पहला राइट होगा उसके लॉग सीक्वेंस नंबर वन मिलेगा, उसको दूसरा ग्रुप राइट होगा उसको टू मिलेगा, तीसरा होगा उसको थ्री मिलेगा, एंड सो ऑन इंक्रीमेंट होता रहेगा। और डेटाबेस शट डाउन करके दोबारा भी स्टार्टअप करते हैं तो लॉग सीक्वेंस नंबर जहां से जहां तक हुआ होता है वहीं से आगे चलता है। लॉग सीक्वेंस नंबर आपका कैप्चर किया जाता है कंट्रोल फाइल के अंदर और प्लस हर रेडुला ग्रुप के उस ग्रुप के हेडर में कैप्चर किया जाता है कि इस ग्रुप को इस वक्त सीक्वेंस नंबर ये मिला हुआ है। तो जो सीक्वेंस नंबर उसको मिलता है वो कंसिस्टेंट रहता है अनलेस के आप रीसेट लॉग्स करते हैं डेटाबेस को। तो रीसेट लॉग्स करेंगे आपको सीक्वेंस नंबर दोबारा से वन से इनिशियलाइज मिलेगा। आप देखने के लिए आर्काइव लॉग लिस्ट करें तो ये इस वक्त देखें करंट लॉग सीक्वेंस नंबर आपको वन दिखा रहा है। अदरवाइज अगर इससे पहले मैं रीसेट लॉग से पहले करता तो यहाँ पे जो अभी तक मेरी डेटाबेस जब से चली आ रही है अब तक जो लॉग सीक्वेंस नंबर आया लेट से वो 1000 है या 2000 है या 4000 है जो भी है वो आपको वो दिखाता। रीसेट लॉग्स करेंगे वो दोबारा से वन से इनिशियलाइज कर देगा, आर्काइव नए सिरे से आप जनरेट होंगे। अब ये समझ लें आपकी एक नई डेटाबेस है, फौरन से इसका एक फुल बैकअप ले लें। अब जरा वेरीफाई करते हैं कि जिस पर्पज के लिए हमने रिकवरी की थी वो हो गया है कि नहीं। देखें टेस्ट टेबल वापस आ गया, एबीसी टेबल हमने बाद में क्योंकि क्रिएट किया होता है उस टाइम से पहले पहले हमने रिकवरी की है वो लॉस हो गया, यानी कुछ ना कुछ आपका डाटा जरूर लॉस हो जाएगा। दिस इज यूजर मैनेज्ड इनकम्प्लीट रिकवरी। हाँ फिर आप कंट्रोल फाइल्स आप जब आपने इस रिकवरी इनिशिएट करने से पहले जो कंट्रोल फाइल्स थे वो आपने कॉपी करके के रखी होंगी, वो कंट्रोल फाइल दोबारा कॉपी करें, डेटा फाइल्स जो आप ये जो बैकअप डेटा फाइल्स का जो पुराना बैकअप था वो कॉपी करें, फिर दोबारा रिकवरी किसी और टाइम तक करें। कंट्रोल फाइल्स आपको आपको आप क्योंकि आप रीसेट लॉग्स के साथ ओपन कर चुके हैं कंट्रोल फाइल चेंज हो चुकी है। हाँ ये कर सकते हैं आप, इसको रीड ओनली मोड में भी ओपन कर सकते थे आप। इंस्टेंट के ये करते हैं कि यार ये रिकवरी पता नहीं हुई है कि नहीं हुई, आप इसको रीड ओनली मोड में ओपन करें और देख लें कि वापस आया टेबल, अगर आ गया तो ओपन कर देंगे, नहीं है तो फिर आप दोबारा से रिकवरी आगे ले जाए। 11G में ये फैसिलिटी है आपके पास, ये ऑप्शन है। अच्छा चूजिंग इनकम्प्लीट रिकवरी इंडिकेट When to stop applying redo log, specify a time at which to stop, जैसे मैंने टाइम दे दिया, या एस सी एन नंबर बता दें या कैंसिल इशू कर दें उस लोकेशन पर जहाँ पे आपने रिकवरी करनी है। फॉर एग्जाम्पल आपने रिकवरी स्टेज पे करनी है या इस एस सी एन तक करनी है यहाँ या इस लोकेशन तक करनी है तो जहां तक आपने करनी है वहां पर कैंसिल लिख के एंटर कर दें या एस सी एन नंबर बता दें या टाइम बता दें तो उस टाइम तक। जैसे हमने टाइम यूजली टाइम बेस्ड होती है, 99% टाइम बेस्ड रिकवरी ही होती है। आप जहाँ जो आर्काइव आपकी मिसिंग है उसका भी आप टाइम देख सकते हैं कि वो आर्काइव जनरेट किस वक्त हुई थी, उस टाइम से पहले पहले रिकवरी परफॉर्म कर लेते हैं अगर आप बहुत ज्यादा आर्काइव हो आपके पास जो अप्लाई करनी हो तो। ठीक है हाँ जी, तो रिकवर डेटाबेस अंटिल टाइम और आगे टाइम दे दिया या रिकवर डेटाबेस अंटिल कैंसिल। अंटिल कैंसिल करेंगे तो आपसे पूछेगा आर्काइव ये अप्लाई करूं, जो अप्लाई करनी है आपने एंटर कर देना है, जो अप्लाई करनी है एंटर कर देना है, जो नहीं करनी वहां पे कैंसिल लिख एंटर कर देना, दैट विल बी कैंसिल बेस्ड रिकवरी। ठीक है जी करके देखेंगे। तो इनकम्प्लीट रिकवरी अगर आपने करनी हो तो शट डाउन करें डेटाबेस, रीस्टोर डेटा फाइल्स, सिर्फ डेटा फाइल्स, सारी डेटा को कोई भी एक भी नहीं छोड़नी, आपने सारी डेटा फाइल्स रिस्टोर करनी है, डेटाबेस माउंट करना है, रिकवर डेटाबेस और ओपन ओपन द डेटाबेस विद रीसेट लॉग ऑप्शन, ये जरूरी है, ये स्टेप आपने करने हैं। ठीक है अब ये देखें शट डाउन किया उसने सारी डाटा फाइल्स कॉपी की एक्चुअल लोकेशन के ऊपर, स्टार्टअप किया रिकवर डेटाबेस अनटिल टाइम किया और अल्टर डेटाबेस ओपन रीसेट लॉग्स कर दिया। कैंसिल पे रिकवर नहीं करनी हो तो रिकवर डेटाबेस अनटिल कैंसिल करें, वन बाय वन आर्काइव्स अप्लाई करें, जो आर्काइव आपने नहीं करनी वहां पे कैंसिल लिख के एंटर कर दें और उसके बाद अल्टर डेटाबेस ओपन रीसेट लॉग्स कर दें। देन इज रीड ओनली टेबल स्पेस। एक टेबल स्पेस अगर रीड ओनली हो इसका मतलब है उसमें कोई डाटा मॉडिफाई नहीं हो सकता, उस पर चेक पॉइंट नंबर अपडेट नहीं हो सकता, ऐसे ही है ना।
तो अगर आपने रीड ओनली टेबल स्पेस का बैकअप लेना है तो उसको बैकअप मोड में डालने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी उसकी डाटा फाइल फ्रीज हुई है। अगर किसी टेबल स्पेस को रीड ओनली कन्वर्ट कर दें तो उसकी डाटा फाइल फ्रीज कर दी जाती है, उसमें कोई चेक पॉइंट नंबर अपडेट नहीं हो सकता, कोई डीएमएल परफॉर्म नहीं हो सकती। तो ऐसी टेबल स्पेस जो रीड ओनली हो उसको बैकअप करने के लिए उसको बैकअप मोड में डालने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली कॉपी कर लें उसके पास। And you do not have to take the table space or data file offline before making a copy of it. Now offline करें ना उसका backup mode में डालें तो और अगर आपकी read only table space की data file corrupt हो जाए, loss हो जाए, तो simply वो जो पुरानी files हैं जो आपने backup दिया है तो उनको copy कर दें actual location पे, recovery की जरूरत नहीं है उनको, क्योंकि वो read only है। No logging database objects। No logging क्या होता है?